ये आप देखिए, यहाँ से एक गड्ढा है, पूरा गहरा गड्ढा है, ये मध्य नगरी का इलाका है और नीचे से पाइपलाइन जा रही है। संभवतः ये प्रॉपर्टी चैम्बर है, बड़ा काम है, निश्चित रूप से काम होता है इसमें। और ये करीब करीब 30 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा है। यहाँ पर अभी काम नहीं चल रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस पर काम पिछले 2-4-6 दिन से नहीं हो रहा है। और ये जमा हुआ है, ट्रैफिक है यहाँ से, शाम को ट्रैफिक रहता है, अभी दोपहर 42 के पार पा रहा है, इसलिए हो सकता है कि ट्रैफिक नहीं है, नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन मूलतः ये जो इलाका है, बहुत ज़्यादा वाहनों की यहाँ आवाजाही होती है, लोग आते जाते हैं, मध्य नगरी का मसानगंज इलाका कहलाता है। और ये दुकानें भी यहाँ प्रभावित हो रही हैं, व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन कोई इस बारे में सोचने और सुनने तैयार नहीं है। एक जनाब घर है यहाँ पर, जो नेम प्लेट के हिसाब से संदीप अग्रवाल जी, चार्टर्ड इंजीनियर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर, और श्री कुमार अग्रवाल जी, हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट, उनके घर के सामने इकट्ठा है। उनके घर के लिए कोई वाहन का रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, जो रास्ता है वो गड्ढे कूद कूद कर हमें जाना होता है और बमुश्किल हम इनके घर तक पहुंच पाते हैं। अब सोचिए, इनके घर के लोग जब आते जाते होंगे तो किस तरह से जाते होंगे, जरा सा भी अगर पैर फिसलता है तो सीधे गड्ढे में जाने का खतरा बना रहता है। और इसके लिए कौन जवाबदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा, कोई कह नहीं सकता। वाहन तो फिलहाल आ ही नहीं पा रहा। बहरहाल चलिए, हम आपको और आगे लिए चलते हैं, आगे के हालात दिखाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सतीश यादव और दिव्यन्दु सरकार साथ में। इसको आप देखते रहिए पत्रिका अखबार में, सीवरेज का एक पूरा समग्र कवरेज, इस शहर को हुआ क्या है सीरीज के तहत, और पढ़िए पत्रिका.com बिलासपुर पर। साथ में आप पत्रिका.com की बिलासपुर पेज पर जाकर इसको लाइक भी कर सकते हैं। आप इसमें साथ में बने रहिए और हम आपको इसकी पूरी कहानी 2008 से लेकर अब तक का सीवरेज का पूरा स्कैन हम आपको आप तक पहुंचाएंगे। पढ़ते रहिए पत्रिका और देखते रहिए www.patrika.com/bilaspur।